देखो किसान भाइयों, अभी कुछ दिनों से मौसम हो रहा है ख़राब। ठंडी का समय है, फिर भी इसमें बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास कोई बगीचा है, जैसे कि यहाँ पे संतरा का बगीचा है, फल पूरे पक चुके हैं और 1-1.5 महीने में ये पूरी निकलने के कंडीशन में है। अभी ऐसी कुछ परिस्थितियाँ बन गई है कि अभी मौसम अपना साथ नहीं दे रहा है, बेमौसम बारिश हो रही है, हवा भी बहुत चल रही है। आसपास के गांवों में हवा की वजह से बहुत सारा नुकसान भी हो चुका है। तो अभी पूरे काश्तकार जिनके पास ऐसे बगीचे हैं तो वो पूरे डर चुके हैं। इसी डर का फायदा वो व्यापारी ले लेते हैं जो अभी संतरा के खेत में घूम घूम के संतरा ले रहे हैं। तो इसमें आपको नहीं फंसना है, और आपको जो है, अगर आपके संतरे की क्वालिटी अच्छी है, आपके अब बगीचे में आपको जाके देखना है कि कैसी कंडीशन है। यहाँ पे एकदम टकाटक संतरा है और इसको जो है एकदम ऐसे जल्दी तोड़ना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन भी नहीं है। कलर अभी फिलहाल पूरा पकड़ने का है। यहाँ पे कुछ एक दो संतरा गिरे हुए हैं, मगर इसका भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये हवा की वजह से थोड़ा सा गिरता तो है ही। उसी के साथ ही ये जो गिरे हैं इनको आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। ये खराब वाले संतरा थे, वो ही गिरे हैं और इसका जो है डेट भी टाइट है। तो ऐसे अगर आपके खेत में कंडीशन होंगी तो आपको जो है टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस कंडीशन में आप बगीचा मत बीजिए, अगर अच्छा भाव मिले तो बेच भी डालिए। मगर वातावरण ख़राब होने की वजह से मार्केट भी थोड़ा डाउन ही चलता है, उससे डाउन तो ये व्यापारी चलते हैं जो कि हमारा कम से कम रेट में जो रहते हैं संतरा वो ले लेते हैं। वो भी हम ठेके से नहीं देते हैं, गिन गिन के, मतलब कैरेट के हिसाब से या फिर टन के हिसाब से अगर हम यहाँ पे यह संतरा इनको बेचते हैं तो नुकसान भी हमारा ही होगा, उसके साथ ही रेट भी हमें कम मिलेगा। तो आप थोड़े दिन रुक जाइए, थोड़ा सा वातावरण क्लियर होने दीजिए, उसके बाद ही बेचिए ताकि आपको रेट भी अच्छा मिले और जो अभी थोड़ा थोड़े संतरा गिर रहे हैं उनका आपको जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा उतना, क्योंकि हमें रेट ज़्यादा मिल जाएगा। वैसे तो को ये सभी फसलों के लिए कारगर है ऐसा तरीका, कि अगर आपके संतरा टाइट है, उसके डेट टाइट है, ऐसे आप उछल के देख सकते हो, या फिर आपके खेत में हवा थोड़ी सी झाड़ हिला के भी आप देख सकते हो कि हवा की वजह से आपके संतरा कितने गिर रहे हैं और कौन से क्वालिटी के संतरा नीचे गिर रहे हैं। अगर अच्छी क्वालिटी के संतरा नीचे गिर रहे हैं तो आपको जो है थोड़ा सा वो तो देखना ही पड़ता है, बेचना ही पड़ता है। मगर आपके संतरा थोड़े से अच्छे हैं, हवा आने के बाद भी गिरेंगे नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। हमारे यहाँ के लोगों ने क्या किया था कि मौसम ख़राब हुआ तभी जो है पूरे बगीचे बेच डाले, क्योंकि नुकसान होता है काश्तकार का, तो वो उससे बचने के लिए ये करना ही पड़ता है। मगर जैसे ही वो मौसम अच्छा हुआ उसके बाद में जो है, आपको तो पता ही होगा कि पिछले साल मौसम ठीक होने के बाद कैसे रेट बढ़े थे। तब बहुत सारे काश्तकार अपने जो है व्यापारियों के चंगुल में फंस गए थे और व्यापारियों ने बहुत मुनाफा कमाया था पिछले साल। तो वैसी कंडीशन इस साल भी है, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रख के अगर आपके संतरा क्वालिटी के, कुछ दिन रुकिए, उसके बाद में हवामान अंदाज देखते रहिए और उसके हिसाब से अपना जो है फैसला लीजिए और अपने फसल बेचिए, अच्छे दामों में बेचिए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है वो मुझे आप कमेंट में बताइए। उसके साथ ही आपने वीडियो को तो लाइक कर ही दिया होगा, अब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।